एक क्वेश्चन करते हैं, यूनिट का ही क्वेश्चन, इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स मास, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आकाश के, एलन के, फिजी और सबके रिजन सबके मॉड्यूल में मिलता है। इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट मास की यूनिट है 10 kg, 1 kg के बजाय 10 kg, 1 kg के बजाय 10 kg, ठीक। लेंथ की 100 मीटर, 1 मीटर की बजाय 100 मीटर लेंथ की यूनिट। टाइम की 1 मिनट, 1 सेकंड होती है नॉर्मली एसआई सिस्टम में, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो 1 न्यूटन फोर्स इस नए सिस्टम में कितना होगा, 1 न्यूटन फोर्स इस नए सिस्टम में कितना होगा, चार आपको दे रखे हैं, 36, 63.6, 0.06। फिर से पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन, नया सिस्टम ऑफ यूनिट, आपने सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया, तो एक क्वेश्चन हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज अगर हम करें तो मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा वो निकालना। मास बदल दिया 10 kg, लेंथ की यूनिट 100 मीटर, टाइम 1 मिनट, 1 न्यूटन फोर्स इस नए सिस्टम में कितना होगा। तो बताइए मैंने क्या बताया था, फिजिकल क्वांटिटी में जब यूनिट बदलते हैं तो मैग्नीट्यूड बदलता है, और फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं क्यू इज इक्वल टू एन यू से। यूनिट बदलते हैं मैग्नीट्यूड बदलता है, बट क्वांटिटी तो वही रहती है, यूनिट बड़ी तो मैग्नीट्यूड छोटा, यूनिट छोटी तो मैग्नीट्यूड बड़ा, इनवर्स रिलेशन, और इस इनवर्स रिलेशन को लिखा था N1U1 इज इक्वल टू N2U2 से। बात चल रही है फोर्स की, फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसकी यूनिट होती है। 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखा है 1 न्यूटन, ये तो लिखा है कि 1 न्यूटन अब कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो ये लिखा है क्यू इज इक्वल टू एन यू, N1U1 N2U2, तो N1 1 न्यूटन, ये न्यूटन लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, N2 नए सिस्टम में मैग्नीट्यूड बताना है, नए सिस्टम में यूनिट क्या लोगे, तो नए सिस्टम में जहां किलोग्राम था वहां पर 10 किलोग्राम लिखो, लिख दिया। नए सिस्टम में जहां पे मीटर था वहां पे 100 मीटर लिखो, लिख दिया 100 मीटर। नए सिस्टम में जहां पे सेकंड स्क्वायर था वहां पे 60 सेकंड का स्क्वायर लिखो, ये लिखा मैंने 60 सेकंड का होल स्क्वायर। N1 U1 N2 U2, N1 पता है, U1 पता है, U2 पता है, बट N2 नया मैग्नीट्यूड नहीं पता है। अब देखो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, सारी यूनिट कटनी है क्योंकि आप मैग्नीट्यूड आ रहा है, मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो N2 की वैल्यू 60 का स्क्वायर ऊपर आएगा तो 3600, 60 का स्क्वायर ऊपर आएगा तो 3600। देखिए 10 और ये 100 मिलके हो जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा 1000, ये दो जीरो कट गए, 36 अपॉन 10 3.6, ये हमारा हो गया N1U1 इज इक्वल टू N2U2। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है, पहले वो लिखो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट और न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिखो, फिर लिखो क्वांटिटी वही रहती है तो N1U1 N2U2, क्योंकि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, U उधर आ गया तो N1U1 N2U2 लिखो, N1U1 N2U2 में जो जो पता है वो लिख दो। अब जैसे यहां पे N1 पता था, U1 पता था, U2 पता था, N2 नहीं पता था, N2 की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली और हम लोगों ने निकाल लिया।